एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में प्रीता नाम की महिला अपने पति करण और दो बच्चे माहिरा और सृष्टि के साथ रहा करती थी। प्रीता और करण दोनों ही ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखते थे और इसलिए दोनों को गांव वाले पंडित और पंडिताइन कहकर पुकारते थे। करण सुबह उठता और तैयार होकर मंदिर चला जाया करता था और काफी रात को ही वापस घर आता था। वहीं पंडिताइन प्रीता अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन प्रीता थोड़ी सख्त पंडिताइन थी जिसने घर में कई तरह की बंदिशें लगाई हुई थी, जो कभी अपने घर के सभी लोगों को कुछ भी खाने से पहले भगवान को याद करने को कहती, तो कभी बिना पानी पिए घर का कुछ सामान भी छूने नहीं देती थी, और अगर ऐसा कोई करता था तो प्रीता उसके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आया करती थी, फिर चाहे उसे गलती करने वाले को बाहर धूप में ही खड़ा क्यों ना करना पड़े। यहाँ तक कि पंडिताइन प्रीता को अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों पर भी तरस नहीं आता था। दोनों काफ़ी छोटे थे और बच्चों से गलतियाँ होनी लाजमी थी, पर प्रीता इन बातों को समझती ही नहीं थी। एक बार तो प्रीता ने तब हद कर दी जब उसने सुबह का खाना पकाया और घर के अंदर ले जाते वक्त माहिरा ने उससे वो खाना मांग लिया। तब पंडिताइन प्रीता को माहिरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए उसने तुरंत खाना साइड में रखते हुए मासूम बच्ची को डंडे से मारना शुरू कर दिया था और उसकी खूब पिटाई करने के बाद उसे पूरे दिन खाना तक नहीं दिया था। रात को जब करण मंदिर से घर वापस आया और उसे पता चला कि पंडिताइन प्रीता ने अपनी बच्ची को एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है, तो कभी गुस्सा ना करने वाले करण को प्रीता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही प्रीता को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अब प्रीता कर भी कह सकती थी, उसके पास तो करण से माफ़ी मांगने के सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं था और आखिरकार करण के सख्त व्यवहार ने उसे एक पल में ही बदल दिया। जैसे ही करण ने प्रीता को घर से बाहर निकाला तो तुरंत ही प्रीता रोती हुई उसके पास आई और उसके कदमों पर झुकते हुए कहने लगी कि करण मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो, मैं थोड़ी ज़्यादा ही सख्त हो गई थी, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम मुझे मेरे किए की जो सजा दोगे मैं वो सब भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे इस तरह से बेघर मत करो। रोती हुई प्रीता के सामने करण का दिल पिघल गया था, इसलिए उसने एक पल में ही प्रीता को माफ़ कर दिया और इसी तरह पंडिताइन प्रीता का सख्त रवैया पूरी तरह से बदल गया और अब उसने घर में सख्ती से पेश आना भी बंद कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पंडिताइन प्रीता की ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।